हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रेसिपी बनाकर दिखाने वाली हूँ जो है तो मेनली पंजाब की, पर ये खाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में और इसे सभी कोई पसंद करते हैं। इस रेसिपी का नाम है छोले या मसाला छोले, कुछ भी आप कह लीजिए। लेकिन ये छोले जो है सिर्फ भटूरे के साथ ही नहीं खाया जाता है, इसे आप पूरी, नान, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आइए बनाना शुरू करें। इसके लिए मैं छोटे दाने का काबली चना ले ली हूँ 250 ग्राम। उसे मैं पानी में भिंगाकर करीब 6-7 घंटा रख दूंगी यूं ही। 7 घंटा भींगने के बाद चना जो है इस तरह का हो गया है, फूल गया है पूरा। बनाने से पहले इसी चने को मैं खूब अच्छे से पानी से धो के रख लूँगी। अब सफ़ेद काबली चना को रगड़ने की बारी है, इसलिए मैं 1 कप पानी गैस पर चढ़ा के एक पतीले में उसमें 2 चम्मच चायपत्ती डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं 3 मिनट कम से कम खौला लूँगी, जैसे कि चायपत्ती के अंदर जितना भी रंग रहे पानी में आ जाए। ये देखिए काला हो गया है मेरा चायपत्ती का पानी। इस चायपत्ती का पानी को मैं अब ढक के रख दूंगी, बाद में सब्जी में डाल दूंगी। अब एक कुकर को गैस पर चढ़ाकर मैं गरम कर ली और उसमें करीब 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर गरम कर ली। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ऑनियन पेस्ट। 3 बड़ा बड़ा ऑनियन मैं पेस्ट करके रखी थी, उसे भी डाल दी। अब इसे खूब अच्छे से सौते करना है जब तक ये ब्राउनिश कलर ना आ जाए। अब मैं ले ली हूँ 2 बड़ा इलायची, 5 लौंग और करीब 1 इंच सिनेमन स्टिक। इसको मैं अब डाल दूँगी इसी ऑनियन के अंदर। इसके साथ में मैं ऑनियन को सौते करूँगी। देखिए प्याज एकदम ब्राउनिश हो गया है और यही समय है बाकी मसाला डालने का। इसके लिए मैं करीब 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें मैं मिला दूंगी और 1/2 कप जैसा पानी थोड़ा सा मिलाकर फिर देखिए सौते करने लगी हूँ। यही सौते करना, ये चलाते रहना मसाला को, बहुत वाइटल काम होता है। अब मैं 1 कप टमाटर प्यूरी डाल के फिर से सौते करूँगी और इसमें लगातार चलाते रहना है, जैसे कि मसाला नीचे लग ना जाए। नीचे अगर लग जाएगा, जल जाएगा मसाला, तो सब्जी का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। अब मैं 2 चम्मच जैसा नमक इसमें डालती। अब अपना स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, मुझे लगा कि इसमें 2 चम्मच सही रहेगा, इसलिए मैं 2 चम्मच नमक डाल के देखिए फिर से लगातार चलाने लगी हूँ। ये चलाते रहना ही होगा, इसको आप छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर चले जाइएगा आपका सब्जी ख़त्म। अब बाकी मसाला डालने के लिए मैं एक प्लेट पर इकट्ठा करके रख ली हूँ। इसमें 2 बड़ा चम्मच मैं छोले मसाला ले ली हूँ जो बाज़ार में मिलता है, और 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, और मैं ले ली 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सभी मसालों को फ्राइंग पैन के अंदर डाल देना है। डाल के फिर से 2-3 चम्मच पानी आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि सूखा मसाला अगर कभी भी आप डालिएगा सब्जी बनाने के लिए तो सूखा मसाला जल जाने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा उसमें पानी डाल देना सही रहता है। मसाला हम लोग का भूंजते भूंजते एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें मैं जितना भी छोला भिंगा कर रखी हूँ पानी सहित मैं इसके अंदर देखिए डाल दे रही हूँ। पानी उतना ही देना चाहिए जितना कि एकदम डूबा रहे चना, नहीं तो जल जाने का डर रहता है। अब मैं चायपत्ती का पानी जो छान कर रखी थी उसे डाल दे रही हूँ और इसमें अब डालूँगी करीब 1/2 चम्मच जैसा बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर डालने से चना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कड़ा नहीं रहता है और खाने में अच्छा लगता है। देखिए कुकर का ढक्कन का जहाँ पर सीटी का पोर्शन रहता है अंदर की तरफ, उसमें थोड़ा सा मैं तेल लगा दे रही हूँ। इस तरह से तेल लगा देने से थोड़ा सा ऊपर सीटी के पास दाल या कोई लिक्विड चीज छिटकने का चांस नहीं रहता है। अब कुकर का ढक्कन लगा के मैं करीब 7-8 विसल का इंतज़ार करूँगी। देखिए करीब 7 विसल बाद मैं कुकर खोल कर देख रही हूँ, मेरा चना एकदम बॉयल हो गया है। चम्मच से थोड़ा सा दबाई नहीं की, एकदम फूस होके चना चपटा हो गया और फूसफूसा हो गया है, बहुत अच्छा बॉयल हुआ है चना। अब मैं थोड़ा सा 1 चम्मच कसूरी मेथी लेके उसको ड्राई रोस्ट करके इसी छोले के अंदर डालकर मिला दूंगी। अब तड़का लगाना है छोले में, इसके लिए मैं 3-4 हरी मिर्च ले ली स्लाइस करके, 1 इंच अदरक में डाइस करके रख ली और 2 चुटकी हींग भी मैं रख ली छौंकने के लिए। छौंक मैं इसी कलछुल में देसी स्टाइल में लगाऊंगी। ये जो बड़ा सा कलछुल आप देख रहे हैं जो मैं गैस पर चढ़ा के रखी हूँ, बड़ा सा एल्युमिनियम का, ये मेरा छौंक लगाने का कलछुल है। इसके अंदर मैं करीब 2 चम्मच घी गरम करके 2 चुटकी हींग जो रखी थी उसे डालकर चटका रही हूँ। हींग चटक गया है, अब इसमें मैं अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च जो स्लाइस करके रखी थी डाल दी। अब ये सब भी देखिए फ्राई हो गया है। अब यही कलछुल मैं छोले के अंदर डालकर खूब अच्छे से चला दूंगी, छोले के अंदर सब घुल मिल जाएगा। अब मैं छोले को एक बोल में निकाल कर रखी हूँ इसे सर्व करने के लिए, और देखिए इसका कलर एकदम ब्राउनिश ब्राइट और देखकर ही खाने का मन करता है। अब मैं इसी छोले के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दी, इसे देखने में भी खूबसूरत लगेगा और स्वाद भी इसका बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स इस रेसिपी के बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ, ये जो रेसिपी मैं बनाई हूँ एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस रेसिपी के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स आज यहीं तक, बाय।